दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इस S96 एंड्रॉइड बॉक्स के बारे में, जहां पर मैं करने वाला इसकी अनबॉक्सिंग, बताऊंगा सारे फीचर्स कैसे काम करता है, सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाए टंटर, शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये है S96 मैक्स का बॉक्स और बॉक्स की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे लिखा हुआ एंड्रॉयड SDTV बॉक्स X3, ये मॉडल नंबर है उसका। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है S96 मैक्स X3 4GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये वाला वेरियंट है। यहाँ पे कुछ बारकोड लगे हुए जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन चाइना, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। फटाफट से करते हैं इसको अब अनबॉक्स, और अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पे हमें सबसे ऊपर मिलता है हमारा प्यारा चमचमाता हुआ S96 एंड्रॉइड बॉक्स। अभी के लिए फिलहाल के रखता हूँ इसको साइड में, और जल्दी ही उसी पे आते हैं थोड़े टाइम में, उसके बाद देखते हैं और बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको एक रिमोट मिल जाएगा, बाद में एक पावर अडाप्टर, और उसी के साथ साथ एक HDMI केबल, और एक छोटा सा क्यूट सा यूज़र मैनुअल हमें इसी बॉक्स में देखने मिल जाएगा। सो बेसिकली बॉक्स में हमें एक रिमोट मिलता है, एक अपना मेन डिवाइस S96 मैक्स, और यहाँ पे HDMI केबल और पावर अडेप्टर, और उसी के साथ साथ एक छोटा सा क्यूट सा यूज़र मैनुअल। तो बेसिकली चार पांच चीज़ें आपको बॉक्स में देखने मिल जाएंगी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेन अपने डिवाइस के बारे में, जो S96 मैक्स है वो देखने में तो बहुत ही क्यूट और एकदम बोलते हैं ना मस्त कलरफुल लग रहा है, और काफ़ी छोटा सा भी है, मतलब आप मेरा हाथ का साइज़ देख लो, एकदम छोटा सा, मतलब एक और एक रेट्रो लुक में आता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, और डिज़ाइन बहुत मस्त है इसकी। और बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो क्वालिटी जो है यहाँ पे प्लास्टिक का बना हुआ है, बट प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अब मैं इसको निकाल देता हूँ इसके स्टिकर को, तो आप और अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ पोर्ट्स की जानकारी दी गई है, जहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो SD का स्लॉट दिया हुआ है यहाँ पे पावर अडेप्टर के लिए, उसी के बाद ये किस चीज़ के लिए SPDF, ये मुझे नहीं मालूम किसके लिए है। यहाँ पे ऑडियो वीडियो का पोर्ट दिया गया है, बाद में यहाँ पे मिल जाता है आपको HDMI का पोर्ट, बाद में यहाँ पे ईथरनेट जैक RJ5 केबल का, बाद में यहाँ पे दो USB पोर्ट दिए गए हैं। बाद में आगे बात करें इस रिमोट के बारे में, जो इसी S96 एंड्रॉइड बॉक्स के साथ आता है, तो यहाँ पे यह रिमोट भी काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है, और इसके अंदर बैटरी नहीं आती, जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे। हमेशा की तरह ये लोग भेजते तो है बॉक्स, लेकिन यहाँ पे भाई बैटरी क्यों नहीं देते यार, बैटरी तो बहुत ज़रूरी है, अब मुझे जाके खरीदना पड़ेगा बस, बात अलग है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा भाई, S96 मैक्स से कोई भी देख रहा है तो भाई बैटरी भी आप देना शुरू कर दो। और रिमोट तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और यहाँ पे बहुत मिनिमलिस्टिक बटन भी हो गए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये है हमारा HDMI केबल, और केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो वायर की क्वालिटी लग रही है ना एकदम मजबूत है, मतलब दो लोग खींचेंगे ना फिर भी जल्दी टूटेगा नहीं, इतनी अच्छी क्वालिटी है उस। और ये है इसका पावर अडाप्टर। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग तो हो गई, तो हम सभी ने देखे हमें बॉक्स कंटेंट में क्या क्या देखने मिलता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं वीडियो में और चेक करते हैं कि कौन कौन से ऐप सपोर्ट करते हैं, किस ढंग से ये काम करता है, यही हमारा S96 एंड्रॉइड बॉक्स। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे ही आप इस डिवाइस को कनेक्ट करते हो आपके टीवी से, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेटअप करना है आपका जीमेल अकाउंट आपको लॉगिन करना है, जिसके थ्रू आप यूट्यूब का सब वीडियो प्ले कर पाओगे। इसी के साथ साथ आपको वाईफाई का पासवर्ड भी डालना है, तो ये दो इनिशियल चीज़ें हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको करनी ही पड़ेंगी, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए।
काफ़ी कुछ ऐप्स यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास कोई स्मार्ट टीवी है या फिर स्मार्ट टीवी लेने का प्लान कर रहे हो तो ये डिवाइस आपके लिए परफेक्ट होगा। अगर आपको कम पैसे में अच्छी चीज़ चाहिए, मतलब पैसे भी बच जाए और आपका काम भी हो जाए, तो यहाँ पर ये आपको S96 एंड्रॉयड बॉक्स ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आपके पास कोई स्मार्ट टीवी है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, वेब OS या फिर टाइजन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो जो टीवी है वो है, तो उसको अब अगर आपको चाहिए कि उस टीवी में आप एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस लो तो उसके लिए भी आपको ये काफ़ी मदद करेगा ये S96 बॉक्स। और मेरे पास जो ये वेरिएंट है ये 4GB 32GB वेरिएंट का था, इसमें दूसरा वेरिएंट आता है 4GB 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ के इसके प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइसिंग यहाँ पे इस डिवाइस की है अराउंड 3600 रुपये के आसपास बैंगवुड पे। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा बैंगवुड के काफ़ी कुछ ऑफर चलते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी रखी है, उसी के साथ साथ कूपन कोड भी है, उसको अप्लाई करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा जो दूसरा उसका वेरिएंट है 4GB 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, उसका प्राइसिंग है 4600 रुपीज, मतलब 4600 रुपये के आसपास आपको वो डिवाइस भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेकआउट कीजिए। और बैंगलोर पे काफी कुछ ऑफर चलते रहते हैं, तो उस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि आपका क्या मानना है इस S26 एंड्रॉइड बॉक्स के बारे में मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी कैट चैनल को, हमारे हैप्पी कैट फैमिली को। और आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। और इसी के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हो ही नहीं कर रहे हो, ज़रूर कीजिए, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ अपडेट डाल दे रहा हूँ। और कुछ दिनों से मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार चल रहा था, इसकी वजह से वीडियोज़ नहीं आ पाए थे। बट आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आपके काफ़ी ईमेल आया, काफ़ी कमेंट्स आए कि वीडियो नहीं आ रही है, या फिर काफ़ी कमेंट्स को मैं रिप्लाई नहीं कर पा था यही रीजन की वजह से। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो लाइक जरूर करना, आपका प्यार पहुंच जाएगा।